जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज बन रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे मौजूद हूँ। आज से पहले आपने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें कहा गया है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज बन रहा है, लेकिन किसी ने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाई। आज हम इमलाक मार्केटिंग पहली दफ़ा आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने जा रहे हैं। जी मेरे साथ ही M2 मोटरवे है। M2 मोटरवे पे ढोक चच रोड से पहले 100 मीटर पहले इनको टेम्प्ररी रास्ता मिला हुआ है, जो कि इन फ्यूचर कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इंटरचेंज है इसी रोड के साथ ढोकचच रोड के साथ ही कनेक्ट करेगा। तो नाजरीन आइए आगे चलते आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट का विजिट कराते हैं। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेन एंट्रेंस पे, जो कि चक्री रोड पे वाकई है। मेरे राइट साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मेन एंट्रेंस है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आए चलते हैं आपको मजीद कैपिटल स्मार्ट सिटी एक्सप्लोर करवाते हैं कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितने ब्लॉक्स हैं, ये मजीद जितनी भी इंफॉर्मेशन थे वो आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मेडिकल क्लिनिक बन रहा है। बड़ी सी चीज़ें इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में और भी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बन रही हैं और उनकी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। आए आपको उनकी भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताते हैं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो स्मार्ट स्टेम हाई स्कूल है उसके बाहर में मौजूद हूँ, जो कि जो मेन बुलीवर्ड का जो थीम पार्क है उसके अपोजिट साइड पर है, जो कि ये पूरी तरह फुली फंक्शनल है। यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं। जी जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी साइड पे विलाज है और विला स्मार्ट विलाज है और स्मार्ट विलाज के साथ उधर ही ग्रैंड मॉस्क भी है कैपिटल स्मार्ट सिटी की। आए मजीद डेवलपमेंट के बारे में आपको ब्रीफ करते हैं। अच्छा इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की हारमोनी ब्लॉक में। मेरे पीछे जो बिल्डिंग बन रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी हारमोनी हाइट्स के नाम से बन रही है, जिसमें मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स हो गए, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो गए, और इसकी ये है कि बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसकी बैक साइड पे भी विलाज बन रहे हैं, वो ये है कि आपको हमारे एरियल शॉट्स में नज़र आ जाएंगे।